अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मारक मल ख्याल। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो इन चार बच्चों के साथ है। आज मैंने सोचा कि बच्चों के साथ भी बैठकर एक व्लॉग बनाना चाहिए यार, इनका भी तो हक है ना यूट्यूब पर, ये भी तो है ना। आज ये यूट्यूब पर आएंगे तो बड़े होकर ये भी यूट्यूब के एक बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे और बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी आज बच्चों के साथ भी व्लॉग बनाया जाए। तो उम्मीद है तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। तो आज का व्लॉग भी स्टार्ट करने से पहले हमने आदत बना लेनी है कि कोई भी व्लॉग बनाने सबसे पहले यही कहना है कि व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और उसके बाद हम अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयद या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयद या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयद या नबी अल्लाह, वअला आलिका व असहाबिका या सैयदी या रहमतल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज माशाल्लाह जुमे का दिन है, माहौल बड़ा प्यारा है, मौसम खुशगवार है, अभी हवा चली हुई है, गर्मी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आपके यहाँ भी मौसम प्यारा होगा। तो आज का जो हमारा व्लॉग है उन बच्चों के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं, इनका भी आपको माहौल सुनाते हैं। हाँ भाई मलिक साहब, क्या हाल है? ज़ोर दा बोल। तबीयत ठीक है जी? उर्दू बोलनी आती है? बोल क्या हाल है आपका? ठीक। क्या कर रहे हो? जे सारे वीडियो को दे दे बैठे ना। क्या करें ना? जे सारे वीडियो को दे दे बैठे ना। अब मैं दे दे देखना है। लाइक। ठीक है भाई, आपने सुन लिया है, ये बच्चे कह रहे हैं। मैं कहता तो आप मेरी बात नहीं मानते शायद, या मानते भी सही तो शायद ठहर के सबर के सोच के मानते। तो अब बच्चों की तो आप मान लेना, ये बच्चे कह रहे हैं कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और पसंद करें, यानी ठीक है। तो एक लाइक का बटन दबाने से, क्लिक करने से आपका कोई भी जोर नहीं लगेगा, कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जिससे आपको कोई टेंशन बने। तो आज का जो हमारा व्लॉग था वो बच्चों के साथ है। मज़ीद आपको इधर बार सड़क पर मैं जाता हूँ, उधर छाँव पर बैठा था तो मैं सोचा बच्चे फिर ज़्यादा शोर ही ना करने लग जाएं, ये ना हो कि फिर हमारा व्लॉग ख़राब ही ना हो जाए। आज मैं गया हुआ हूँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो वहाँ मैंने सोचा कि आज बच्चों के साथ भी एक व्लॉग बनाना चाहिए। तो इनका भी हक है, बच्चों को भी यूट्यूब पर आना चाहिए। तो लोग अगर गलत गलत माहौल की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं तो क्यों ना हम अच्छे माहौल की वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करें। तो ये हम अनार का बूटा लगा हुआ है, अनार भी इस पर लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत अनार लगे हुए हैं, ये देखें बहुत प्यारे प्यारे अनार लगे हुए हैं। तो लेकिन अभी ये हैं छोटे, जैसे ये बड़े होंगे तो इंशाल्लाह फिर हम मज़े से खाएंगे, मज़े से, बहुत प्यारे प्यारे अनार हैं। तो जिन दोस्तों ने खाने हैं वो भी आ जाना, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपके पास अगर आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता देना, इंशाल्लाह मैं आपके पास भिजवा दूंगा। चाहे अनार एक भी आपके हिस्से में आए तो आपने बताना है, तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा भिजवा ही दूँगा। तो बाकी उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको मैं जो माहौल दिखा रहा हूँ, हमारा गांव है, देहात का माहौल है, मेरे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर हो जाएगा, इतने एक फासले पर है ये। तो देहाती जो माहौल होता है वो क्या ही खूबसूरत माहौल होता है, शहरी लोग बड़े तरसते हैं देहाती माहौल को। देहात का माहौल खुशगवार हवा, ताज़ी फ्रेश हवा और प्यारा माहौल, यहाँ कोई इतनी ज़्यादा शहर की नस्बत गर्मी भी कम होती है क्योंकि यहाँ पर दरख्त होते हैं तो ठंडी हवाएँ चलती हैं, फसलें होती हैं, बहुत प्यारा खुशगवार मौसम होता है। तो आपको उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा कि इतना लंबा व्लॉग ना बनाऊं क्योंकि लोग अक्सर मैंने देखे हैं आधे आधे घंटे का व्लॉग, घंटे घंटे का, पौने पौने घंटे का, बहुत लंबे लंबे व्लॉग बना के रख देते हैं। जब इतने लंबे व्लॉग बनाते हैं तो फिर देखने वाले भी तंग हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार इतना लंबा व्लॉग, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं इतना सोचा कि 5-7 मिनट से ऊपर ना ही बनाया करूं, बस शार्ट ही बनाया करूं, ताकि लोग मुझसे जुड़े रहें और मैं उनसे जुड़ा रहूं और लोग तंग ना हों, क्योंकि किसी को तंग करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना मेरे ख्याल में। तो इसलिए मैं अपने व्लॉग को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपको ये बार बार कहने से अगर आप तंग भी होंगे तो माजरत के साथ, क्योंकि ये एक मजबूरी भी समझ लें और मोहब्बत भी समझ लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे तो आने वाली हर जो न्यू वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।
तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरी खुशियों से जुड़े रहेंगे, तो मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। तो हम लोग एक दूसरे के साथ रबते में रहेंगे और एक दूसरे के हाल अहवाल से मालूम रहेगा हमें एक दूसरे का हाल अहवाल। तो अगर आपको रिक्वेस्ट ना की जाए तो आपको पता है इस दौर के अंदर बग़ैर शोर शराबा करने के, बग़ैर एहतजाज करने के, बग़ैर रिक्वेस्ट करने के तो कोई मानता ही नहीं है ना। तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि बरए मेहरबानी आप थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा दबाना आपने बस, तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, और आप दीजिएगा अपने होस्ट मारकमल सयाल को इजाज़त। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।